हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी वे में लिखी गई पोएम विंड। विंड मीन्स हवा। तो इस पोएम के अंदर विंड के बारे में, हवा के बारे में यहाँ बताया गया है। जो इस पोएम की जो पोएटेस है सुब्रमण्या भारती, तो उन्होंने इस पोएम में विंड को एड्रेस करते हुए, यहाँ पे इस पोएम के अंदर विंड को एड्रेस किया गया है। एड्रेस मतलब संबोधित किया गया है। एड्रेस को ऐसे संबोधन करके बोला गया है कि तुम थोड़ा धीरे ब्लो करो, क्योंकि तुम्हारे तेज बहने से जो जो हरकतें होती है, जो जो मूवमेंट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है पोएम में। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। देखो, विंड, द विंड ब्लो स्ट्रॉन्गली एंड कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। तो इसमें बताया कि जो विंड है वो स्ट्रॉन्गली बहती है, बहुत तेजी से बहती है और बहुत से डिस्ट्रक्शन है वो। डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत से जो विनाश है वो करती है जब तेज हवा चलती है, जिसको कि हम आंधी बोलते हैं। तो वो तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है, विनाश करती है। अगर ठंडी हवा चले तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे ठंडी हवा ब्लो करती है वो हमें पसंद होती है, हम चाहते हैं कि वो बहती रहे। लेकिन जब वो तेज गति के साथ में बहती है तो बहुत से डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत से विनाश करती है। तो इसमें बोला है कि हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, कि हम इसके मित्र है वो कैसे बन सकते हैं, इससे मित्रता कैसे कर सकते हैं विंड के साथ में। तो ये पोएम है वो सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम को एके रामानुजन ने तमिल लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट भी किया है, एके रामानुजन ने। स्टार्ट करते हैं। सॉरी। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्केटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। कि विंड मतलब हवा को संबोधन करते हुए बोलते हैं कि हे हवा, कि हे पवन, हे हवा, कम सॉफ्टली, कि तुम धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे चलो। विंड को बोला है कि तुम धीरे धीरे ब्लो करो, तुम धीरे धीरे आओ, इतना तेज स्पीड के अंदर मत आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, कि विंडो के जो शटर है उनको मत तोड़ो, विंडो की जो खिड़कियों की जो झिलमिली सी जो बनी हुई है तुम उसको मत तोड़ो। डोंट स्केटर द पेपर्स, और जो पेपर्स है मतलब जो कागज है उनको, स्केटर स्केटर होता है बिखेरना, कि जो कागज है तुम उनको मत बिखेरो। मतलब कि जब हवा तेज चलती है तो खिड़कियों के जो शटर है वो हिलने लग जाते हैं, तेज तेज बजने लग जाते हैं, कई बार टूट भी जाते हैं तेजी से एकदम से। जब मान लो कोई खिड़की का शटर है उसको खुला हुआ है, अगर हवा तेज आती है तो वो शटर झटके से बंद होता है तो उससे टूट जाता है, कागज है वो एकदम बिखर जाते हैं। तो हवा को बोल रहे हैं कि तुम तेज मत बहो, तुम धीरे धीरे बहो, तुम धीरे धीरे चलो, विंडो के जो शटर है उसको मत तोड़ो, तुम कागजों को स्केटर मत करो, तुम इन कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और सेल्फ के ऊपर, सेल्फ मतलब जो आलमारी है या जो ताक है उस पे जो बुक्स रखी गई है उनको थ्रो डाउन मत करो, उनको नीचे मत गिराओ, क्योंकि बुक्स है वो भी तो तेज हवा से नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं पोएट्स कि तुम तेज गति से मत बहो, तुम धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आओ, ये सारी हरकतें, ये सारे मूवमेंट जो आप कर रहे हो, जो तुम करती हो, इन सब कामों को तुम मत करो। आगे देखो, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स। कि देयर वहां पे लुक, देखो कि तुम वहां देखो, तुमने क्या कर दिया है, व्हाट यू डिड मतलब तुमने क्या किया है, तुम उधर देखो, तुमने कितनी हरकतें हैं ऐसी कर दी। यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया है, मतलब जो चीजें हैं जैसे बुक्स वगैरह है तुमने उन सब चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, और तुमने बुक्स के जो पेज है उनको भी फाड़ दिए हैं, बुक्स के पेजों को तुमने फाड़ दिया। मतलब हवा है वो तेज गति से बह रही है और इसके जो पेज है बुक्स के वो भी इतनी तेज गति से बहने के कारण पेज है वो फट गए हैं। मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो पोइट है वो अपने को बोलना चाहते हैं कि जो कुछ लोग जो होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, जो असहाय जो व्यक्ति होते हैं या जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनको दबाना। तो यहाँ पे जो पवन है, हवा है, वो तो एकदम स्ट्रोंग के लिए काम, स्ट्रोंग के लिए यूज में ली गई है। ये स्ट्रोंग पर्सन को यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया है विंड के थ्रू, और ये जो बाकी चीजें हैं उनको बताया गया है कि कमजोर और असहाय लोग हैं उनको, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो उनको दबाते हैं। तो यहाँ बोले हैं कि तुमने इन पेज को, बुक्स के जो पन्ने हैं, जो पेज है उनको तुमने फाड़ दिया है, देखो तुमने क्या कर दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा से रेन को ले आई हो, बरसात लेकर आ गई हो।
मतलब हवा के साथ में बारिश भी आती है, तो यहाँ बोला है कि तुम फिर से वर्षा को ले आई हो, बारिश को लेके आई हो। यू आर वेरी क्लियर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कि यू आर वेरी क्लियर, कि तुम बहुत क्लियर हो, तुम बहुत चतुर हो एट पोकिंग फन। पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाने में, एट वीकलिंग्स कि जो वीकलिंग्स है मतलब जो कमजोर जो लोग है या कमजोर जो यहाँ पे कमजोर है वो बुक्स को बताया गया है, पेपर्स को बताया गया है, जो विंडो के शटर है वो वीकलिंग में आए हैं। तो बोला है कि जो वीकलिंग्स है मतलब जो कमजोर जो है तुम उनका मजाक उड़ाती हो, तुमने उनका मजाक बना दिया है, तुम बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, कि जो फ्रेल यानी जो कमजोर जो क्रम्बलिंग यानी टूटते हुए जो घर है, तो कमजोर टूटते हुए घर, क्रम्बलिंग डोर्स मतलब जो टूटते हुए जो दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग राफ्टर्स जो क्रम्बलिंग मतलब टूटते हुए जो राफ्टर्स है मतलब जो लकड़ी की जो कड़ियां होती है उनके लिए आया है, क्रम्बलिंग वुड मतलब टूटते हुए जो लकड़ी है, क्रम्बलिंग बॉडीज टूटते हुए शरीर, बॉडी यानी शरीर, क्रम्बलिंग बॉडीज यानी टूटते हुए शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ और टूटता हुआ जीवन मतलब इन सब चीजों को, और क्रम्बलिंग हार्ट मतलब जो टूटता हुआ जो हृदय है, इन सब चीजों को तुमने क्या कर दिया, तुम इन सबका मजाक उड़ाती हो। द विंड गॉड इन सब चीजों को, विंड गॉड ने हवा के जो देवता है पवन देव जो है वो इनको विनोज मतलब फटकारते हैं, क्रशेस देम ऑल और इन सबको क्रश करता है, इनको चकनाचूर कर देता है, इनको कुचल देता है, इनको जो क्रम्बलिंग हाउसेज है, क्रम्बलिंग डोर है, क्रम्बलिंग राफ्टर्स है, क्रम्बलिंग वुड है मतलब जो कमजोर घर, कमजोर दरवाजे, कमजोर कड़ियां, कमजोर लकड़ी, कमजोर शरीर और कमजोर होता हुआ जीवन और कमजोर जो हृदय है, दिल है, इन सब चीजों का विंड गॉड ने पवन देव ने इन सबको क्या करता है, इनको फटकाता है, इनको क्रश कर देता है, इनको चकनाचूर कर देता है, इनको कुचल देता है। जो विंड गॉड है मतलब जो कमजोर जो लोग हैं उनको, जो ताकतवर लोग हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको रोनते रहते हैं, उनको कुचलते रहते हैं, कोई भी उनको ऊपर उठने नहीं देता है। इसके बाद देखते हैं ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। तो विंड गॉड के लिए बताया कि ही वोंट डू, कि तुम जो कुछ भी व्हाट यू टेल हिम मतलब तुम जो कुछ भी उनको बोलोगे, जो कुछ भी तुम पवन देवता को बोलोगे, विनती करोगे अपना कार्य करने के लिए बोलोगे, तो ही वोंट डू, वो ऐसा नहीं करेंगे। मतलब जब हम पवन देव को हम बोलेंगे कि आप धीरे धीरे भैये, तो वो धीरे धीरे नहीं आएंगे, वो तेज ही आएंगे। अगर हम कोई भी याचना करें किसी भी मतलब जो जो सक्षम जो लोग होते हैं, जो स्ट्रोंग जो लोग होते हैं, अगर हम उनसे कितने भी अगर विनती करते हैं, अगर हम किसी तरीके से हम उनसे याचना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही विंड गॉड है, वो भी अपना कार्य नहीं करेंगे, आप चाहे उनसे कुछ भी कहिए। इसलिए क्या बोलते हैं कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि सो कम कि इसलिए कम आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हम जो मजबूत घर है उनका हम निर्माण करें, हम मजबूत घर को बनाएं, आ जाइए आप सब आइए, हम मजबूत घर का निर्माण करते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फिर्मली, कि ये जो दरवाजे हैं इनके जो जॉइंट है उनको फिर्मली यानी मजबूती से हम बंद करें, गेट के जो दरवाजे जो क्रम्बलिंग हो रहे थे हम उनको एकदम मजबूती से इनके जॉइंट को बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फिल्म द बॉडी, और हमारी बॉडी को, हमारे जो शरीर है हम उसको एकदम फिल्म एकदम मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करें, मजबूत बनाने का अभ्यास करें। मेक द हर्ट स्टेड फास्ट, और जो हमारा हृदय है हम उसको स्टेड फास्ट बनाते हैं, हम उसको विश्वसनीय बनाएं, हम उसको निष्ठावान बनाएं। डू दिस, कि ऐसा कीजिए मतलब इन सब कामों को आप ये सब करें, कि अपनी जो बॉडी है उसको हम एकदम फिल्म बनाए, मजबूत बनाए, अपना जो हर्ट है, अपना जो हृदय है उसको हम विश्वसनीय बनाए, निष्ठावान बनाए, अपने जो मजबूत घर है उनको हम अच्छे से मतलब मजबूत घर बनाए, दरवाजों को मजबूती से बंद करें, ये सारे काम हम करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो विंड है, जो हवा है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि जो विंड होती है वो ब्लोज आउट मतलब बुझा देती है वीक फायर्स, जो कमजोर आग होती है उसको जो हवा है वो बुझा देती है, मतलब धीरे चलती हुई जो अग्नि होती है उसको हवा है वो बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर स्टोर एंड फ्लोरिस,
ही मेक स्ट्रॉन्ग, और वो स्ट्रॉन्ग बनाती है फायर थ्रोअर, जो तेज अग्नि जो होती है, मतलब बहुत तेजी से चलती हुई जो अग्नि होती है उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है, और अधिक रोयर बनाती है उसको, दहाड़ना जैसे होता है तो वो और अधिक उस आग को फैलाती है, उनको फ्लरिश करती है, उसका पालन पोषण करती है। मतलब जो आग धीरे चलती है, जो वीक फायर है उनको तो हवा बुझा देती है, लेकिन जो आग बहुत तेज गति से जलती है, बहुत तेज जो फैली हुई होती है उसको वो और अधिक बढ़ाती है, उसके वो अकॉर्डिंग चलती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कि हवा की जो फ्रेंडशिप है, मित्रता है, वो बहुत अच्छी है, गुड है। वी प्रेज हिम एवरीडे, हम उसकी प्रतिदिन प्रेज करें, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करें। तो अब हवा की प्रशंसा करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो इसमें बोला है कि हवा है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें ही उसके अकॉर्डिंग, हमें ही अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हमें कमजोर नहीं रहना है जो हवा के साथ हम भी बह निकले, हमें अपने आप को मजबूती से टिकाए रखना है, जो कि मजबूत हवा में भी हम टिके रहें, मजबूत हवा में भी हम उसका सामना कर सकें। मतलब कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ताकि हम भी जो यहाँ पे रहने वाले जो स्ट्रांग पर्सन है, जो कि कमजोर लोगों को दबाते हैं, हम उनका सामना कर सकें। ये चीज इस पोएम में बताई गई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में इस पोएम को लिखा गया है, बहुत अच्छे से, अच्छी मीनिंगफुल ये पोएम है, बहुत अच्छी चीजें अपने को ये सिखा रही है। तो इस पोएम से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, तो आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन कौन सी क्रम्बलिंग चीजों के बारे में इस पोएम में बात आई है, कौन कौन सी ऐसी कमजोर चीजें हैं जो जिसको जो विंड गॉड है, जो हवा के जो देवता है, जो पवन देव है, वो कुचल देते हैं, जिनको वो फटकारता है, कुचलता है, रोनता है, ऐसी कौन कौन सी क्रम्बलिंग चीजों के बारे में नाम आया है। आई होप आपको पोएम पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।